इससे पहले हम लोग पढ़े थे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, पढ़े हेमास्टेसिस पढ़े, ठीक है। तो अब मेरा क्या है, टेस्ट पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या है, यहाँ पे हमने डिफिनेशन दिया है, ठीक है। डिफिनेशन में दिया है कि इट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पंक्चर वाउंड ऑन द स्किन, ठीक है, विच इज अ मेजर ऑफ प्लेटलेट फंक्शन एज वेल एज वेसल वॉल, ठीक है। कि मेरा प्लेटलेट्स का फंक्शन पे डिपेंड करता है प्लेटलेट्स, ठीक है। नंबर में अगर वो नॉर्मल है बट फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है तो भी क्या होगा, मेरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। और वेसल वाल मतलब कि मेरा जो ब्लड वेसल्स है, वेस्कुलर जो मेरा डिफेक्ट होता है, इसको भी डिटेक्ट करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प टू डिटेक्ट वेस्कुलर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, ठीक है। प्लेटलेट नंबर में अगर रिडक्शन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तब भी मेरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। और मेरा अगर उसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज है तब भी क्या होगा, मेरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ये प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंडिकेटर है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का। ब्लीडिंग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमनली डन इन प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन इन पेशेंट शेड्यूल्ड फॉर मेजर सर्जरी। हम उन पेशेंट को जो मेजर सर्जरी के लिए जाते हैं, उन पेशेंट को भी हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लीडिंग टाइम परफॉर्म, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या है, तो दो तरह का मेथड है, देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। क्या क्या है, ड्यूक्स मेथड एंड आईवीज मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। दोनों में क्या होता है, ड्यूक मेथड जो है वो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, और आईवीज मेथड, ठीक है, ज्यादा रिलायबल है, लेकिन इसको ज्यादातर लैब इसको नहीं फॉलो करते हैं, हम लोग ड्यूक मेथड करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ड्यूक मेथड को। तो ड्यूक मेथड में क्या बोल रहे हैं, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी, ज्यादातर लैब हम लोग क्या करते हैं, ड्यूक मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है कि इसमें जो नॉर्मल रेंज है ड्यूक्स मेथड में, ये क्या है, नॉर्मल रेंज मेरा 1 to 5 मिनट है, 1 to 5 मिनट, ठीक है, 1 to 5 मिनट। और ये मेरा क्या आईवी मेथड, इसके लिए एक चीज स्पेशल चीज चाहिए, इसके लिए स्फिग्मोमैनोमीटर चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं, हम आर्म पे क्या करते हैं, इसको टाइट कफ कर को बांधते हैं, ठीक है, टाइट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फोर आर्म यूज करते हैं और उसके स्किन पंक्चर करते हैं। तो ये इसके लिए क्या होता है, ये 5 से 10 मिनट, या कोई कोई बुक 3 to 10 मिनट भी देता है, 3 to 10 मिनट इसका नॉर्मल रेंजेस है, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल देख लेते हैं डिक्स मेथड में क्या बोल रहे हैं, कि स्मॉल पंक्चर यानी कितना 3 mm डीप इज मेड ऑन द एयर लोब और फिंगर टिप ऑफ द पेशेंट एंड टाइम फॉर विच इट ब्लीड्स इज नोटेड, ठीक है, क्लियर है बात। हम क्या कर रहे हैं, एक 3 mm डीप पंक्चर कर रहे हैं स्टराइल ब्लड लाइन सेट से, ठीक है, और उतना डीप कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, और टाइम नोट कर रहे हैं जब तक ये ब्लीड कर रहा है, कब तक, अंटिल टू फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग, जब तक मेरा प्लेटलेट प्लग फॉर्म नहीं करता है तब तक, ठीक है, यानी ब्लीडिंग मेरा स्टॉप नहीं होता तब तक हम टाइम नोट करते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग स्टॉप व्हेन द प्लेटलेट प्लग फॉर्म एंड ब्रिज इन द वेसल वॉल हैज सील, ठीक है, क्लियर है बात। ये मेरा प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। हम लोग सैंपल देख लेते हैं, सैंपल में क्या है, मेरा ब्लड कलेक्टेड बाय एयर लोब और फिंगर पंक्चर, फिंगर हम लोग जनरली फिंगर टिप करेंगे पंक्चर, ठीक है, फिंगर टिप। रिक्वायरमेंट्स इस टेस्ट के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरा, स्टराइल लैंसेट, ठीक है, ब्लड लैंसेट है, स्पिट और 70% अल्कोहल, फिल्टर पेपर, ठीक है, सर्कुलर फिल्टर पेपर, सर्कुलर, उसके बाद स्टॉपवॉच या टाइमर, ठीक है, और हम लोग को कॉटन भी चाहिए, स्प्रिट सिर्फ हम लोग नहीं यूज करेंगे, स्प्रिट को कॉटन से रब करेंगे, ठीक है, कॉटन से, कॉटन में लेके रब करेंगे फिंगर पे, ठीक है। प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लीन द एयर लोब और फिंगर टिप, ठीक है, फिंगर टिप विथ कॉटन सैप, कॉटन सैप से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन करेंगे एयर लोब को और फिंगर टिप को, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट अलाउ टू ड्राई, उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पंक्चर द एयर लोब और फिंगर टिप, फिंगर टिप को क्या करेंगे, पंक्चर करेंगे, किससे,
बाय यूजिंग अ डिस्पोजेबल नीडल और स्टराइल ब्लड लैंसेट, जो स्टराइल मेरा ब्लड लैंसेट है और या फिर डिस्पोजेबल नीडल जो हम लोग नीडल यूज करते हैं, तो वो उससे करेंगे। कितना डीप करेंगे? तो अबाउट 3 mm डीप करेंगे। कितना? स्टैंडर्ड मेरा पंक्चर जो होगा वो क्या होगा? 3 mm डीप होगा, अबाउट 3 mm डीप। ठीक है, स्टार्ट द स्टॉपवॉच इमीडिएटली। अब हम क्या करेंगे, जैसी प्रिक करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉपवॉच हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर स्टार्ट जेंटली टचिंग द प्रिक फिंगर और एयर लॉक विद द फिल्टर पेपर आफ्टर 30 सेकंड। ठीक है, आफ्टर 30 सेकंड, हम 30 सेकंड बाद क्या करेंगे, फिल्टर पेपर जो मेरा सर्कुलर फिल्टर पेपर है उसको क्या करेंगे, जेंटली टच करेंगे। ठीक है, टच करेंगे, ऐसे सिर्फ जेंटली करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, टिल द ब्लड स्पॉट कंटिन्यू टू बी मेड ऑन द फिल्टर। कब तक करेंगे? जब तक मेरा ब्लड स्पॉट फिल्टर पेपर पे आएगा। और हर बार जब टच करेंगे तो वो कितना ड्यूरेशन का इंटरवल्स होगा, तो वो 30 सेकंड का इंटरवल्स होगा। ठीक है, 30 सेकंड हमने अभी जस्ट वाइप किया, फिर इसके बाद 30 सेकंड बाद फिर वाइप करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, स्टॉप द स्टॉपवॉच व्हेन नो मोर ब्लड स्पॉट्स कम ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देंगे जब देखेंगे कि मेरा फिल्टर पेपर पे कोई भी ब्लड स्पॉट नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नोट कर देंगे टाइम को, कितना टाइम मेरा हुआ। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम क्या करेंगे, नोट करके इस बात को समझ लीजिए कि द ब्लड शुड फ्लो फ्रीली, ब्लड को ठीक है फ्रीली आना है, विदाउट स्क्वीजिंग द एयर लोब और फिंगर टिप। हमको बिना स्क्वीजिंग किए हुए, मतलब कि बिना फोर्सफुल्ली प्रेस किए हुए, हम जैसे अगर फिंगर को क्या करते हैं ऐसे वाइप, सबसे पहला क्या किया, कॉटन स्वाब से इसको स्ट्राइल कर लिए, स्ट्राइल के बाद ड्राई हुआ एंड देन फिंगर को हम क्या किए, फिंगर टिप को अगर यूज करते हैं या एयर लोब को यूज करते हैं, तो फिंगर टिप में हम क्या करेंगे, 3 mm डीप पंक्चर करेंगे और 30 सेकंड पे फिल्टर पेपर से वाइप करेंगे। ठीक है, और हर 30 सेकंड पे करते रहेंगे, और जैसी फर्स्ट जैसी प्रिक करेंगे वैसी टाइमर हम स्टॉपवॉच ऑन कर लेंगे। ठीक है, तब कब तक करेंगे, जब तक मेरा नो मोर ब्लड, जब तक ब्लड मेरा स्पॉट आना बंद नहीं हो जाए, तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। और फाइनली क्या करेंगे, जैसी बंद हुआ वैसी स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देंगे और नोट कर लेंगे टाइम को। ठीक है, तो इसमें क्या बोले, ब्लड शुड फ्लो फ्रीली होना चाहिए, उसको हम क्या प्रेस करके ऐसे करके दबा करके नहीं निकालना फोर्सफुल्ली। ठीक है, अब नॉर्मल रेंज क्या है, तो नॉर्मल रेंज ड्यूक मेथड से मेरा ये क्या था, ड्यूक मेथड क्या था, तो 1 to 5 मिनट। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज है ब्लीडिंग टाइम का। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं मेरा आईवीज मेथड से, हम लोग दूसरा मेथड देख लेते हैं आईवीज मेथड। ठीक है, इस मेथड में स्पेशल एक चीज क्या चाहिए, हमको स्फिग्मोमैनोमीटर चाहिए, इस बात को हम पहले भी बोले आपको, तो इसमें प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर और ब्लड प्रेशर कफ। ठीक है, हमको ब्लड प्रेशर कफ चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्म को हम टाइट करते हैं। ठीक है, टाइट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, प्रेशर एग्जस्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर करते हैं कितना, 40 mmHg, वो प्रेशर बनाए रखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, द ब्लड प्रेशर कफ इज प्लेस्ड ऑन द अपर आर्म एंड इन्फ्लेटेड टू 40 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अ लैंसेट और स्कैल्पेल ब्लेड इज यूज टू मेक अ शैलो इंसिजन अबाउट 1 mm डीप ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फोरआर्म। ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ द फोरआर्म। ठीक है, फोरआर्म पे हम क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, मतलब कि ठीक है एक प्रिक करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, 1 mm डीप करते हैं, एक या तो ब्लेड से करते हैं या फिर हम लैंसेट से करते हैं। कितना, तो टोटल डिस्टेंस मेरा 10 mm का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज इंसिजन इज मेड अबाउट 10 mm लॉन्ग, 10 mm लॉन्ग और 1 mm डीप। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द टाइम फ्रॉम व्हेन द इंसिजन इज मेड अंटिल द ऑल ब्लीडिंग हैज स्टॉप इज मेजर्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इंसिजन किया उसके बाद हम टाइम स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, टाइम को हम लोग, जैसे अब क्या हुआ इंसिजन, जैसे मेरा ब्लड आना, ब्लीडिंग आना बंद हुआ, हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं टाइम को, यानी स्टॉपवॉच को स्टॉप कर लेते हैं और नोट द रीडिंग, यानी जो मेरा रीडिंग आया, जो टाइम आया उसको नोट कर लेते हैं। और क्या करते हैं, एक बात और, एवरी 30 सेकंड इंटरवल, ठीक है, फिल्टर पेपर इज यूज टू ड्रॉ ऑफ द ब्लड, जैसे हम उस मेथड में भी किए थे, इसमें भी करेंगे, हर 30 सेकंड इंटरवल पे क्या करेंगे, जो ब्लड मेरा ब्लड आएगा, ठीक है, उसको क्या करें, वाइप आउट कर लेंगे।
ठीक है। तो ये ओवरऑल इस मेथड में क्या है, ये मेथड ज्यादा रिलायबल है बट ज्यादातर लेबोरेटरीज कौन सा ड्यूक मेथड से करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसिजन मतलब जो मेरा चोट एक तरह से बोले इसको, ठीक है, कट जो कट होता है मेरा, ठीक है, तो वो क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, और वो मेथड से करना आसान है। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है, 3 to 10 मिनट, 3 से 10 मिनट है। इस मेथड में मेरा नॉर्मल रेंज क्या है, 3 से 10 मिनट। ड्यूक मेथड से मेरा क्या था, 1 से 5 मिनट नॉर्मल रेंज था। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होता है, जो कट होता है वो बड़ा होता है और प्रेशर हम इस पे एग्जर्ट करें, ठीक है, कितना, तो 40 mmHg प्रेशर मेरा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और होता है, अगर किसी को, ठीक है, मोर देन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम है, किसी को मोर देन 10-12 मिनट्स है, ठीक है, तो उस केसेस में फिर क्या करते हैं, हम उसको ऑफ कर लेते हैं फिर उसका, ठीक है, ऑफ कर लेते हैं, और मोर देन 15 मिनट ऐसे करके रिपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले प्रिकॉशन हमको ये लेना है कि पेशेंट को कोई थेरेपी तो लेने से क्या, जैसे कि एस्पायरिन ड्रग, ये सब ड्रग होता है जो क्या होता है, जिस केसेस में क्या होता है ब्लीडिंग टाइम मेरा प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है, एस्पायरिन अगर इंटेक करेगा, ठीक है, मतलब वो एस्पायरिन पेशेंट लिया, तो उस केसेस में क्या होता है मेरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो ये सब चीज का प्रिकॉशन हमको लेना है। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। कहते हैं ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, इसमें ही आएगा। ठीक है, एक तरह से ब्लीडिंग टाइम को हम समझे तो क्या है, एक तरह से हम क्या देखते हैं, वास्कुलर डिफेक्ट और प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट। ठीक है, प्लेटलेट के फंक्शन में, उसके बाद प्लेटलेट नंबर में भी रिडक्शन होगा, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इस केसेस में भी मेरा ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट फंक्शन, एक्यूट लिकीमिया, चाहे वो ALL हो या फिर AML हो, दोनों में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा मेरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। एप्लास्टिक एनीमिया, जहां पे मेरा क्या होता है सारा सेलुलरिटी सेलुलरिटी डिक्रीज होता है, जितना ऑल द सेलुलरिटी डिक्रीज, TLC भी कम होगा, प्लेटलेट काउंट भी कम होगा, RBC भी कम होगा। ठीक है, वॉन विलिब्रांड डिजीज, लीवर डिजीज, सीवियर लीवर डिजीज के केसेस में भी ऐसा होता है, और परपुरा, क्या कौन सा परपुरा, यानी कि मेरा क्या होता है हेमोरेजिक स्पॉट आ जाता है। ठीक है, स्किन पे हेमोरेजिक स्पॉट आ जाता है, ठीक है, हेमोरेजिक स्पॉट परपुरा में। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपुरा, इस केसेस में भी मेरा क्या होता है ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है। ए फाइब्रिनोजेनेमिया, ठीक है, जहां पे क्या होता है मेरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, मेरा ब्लीडिंग टाइम के साथ साथ और भी चीज प्रोलॉन्ग होता है, क्या होता है PT भी प्रोलॉन्ग होता है, APTT भी प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है, और TT, ये सब प्रोलॉन्ग होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, ये सब भी प्रोलॉन्ग होता है। एक और केस है DIC, ठीक है, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, इस केसेस में भी क्या होता है मेरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें सब चीज प्रोलॉन्ग होता है, इसमें DIC के केसेस में PT, APTT, TT, सारा चीज प्रोलॉन्ग होता है, BTB। ठीक है, थैंक यू।